बेटा ये हो गया। मम्मी का जो कपड़ों का स्टैंड था वही मैंने असेंबल किया है, है? बस नट और पापा ने लगाए थे क्योंकि वो भूलते नहीं है, बाकी पूरा मैंने भी जोड़ा था। कपड़ों का कौन सा? अच्छा वो वाला। हाँ मेरा बेटा होशियार है भाई, ये देखो बेटा जोड़ रहा है भाई। ये है शू रैक और ये ऐसे पाइप आए हैं और इसका कवर है ये, और कवर में ये पाइप डाल रहा है। अथक अथक को बहुत से काम आते हैं और ये मेरी बहुत हेल्प करता है, किचन में भी हेल्प करता है तो ये छोटे मोटे कामों में भी, और ऐसी चीज़ों का तो इसको बहुत शौक है जोड़ने का। तो ये शू रैक मैंने मंगाई है फ्लिपकार्ट से और ये है 640 रुपये की, और अब देखते हैं जोड़ने के बाद कैसा होता है। ये कवर आए हैं इसके और ये शेल्फ हैं इसकी, और वो जो बड़ा सामने पड़ा है वो कवर है। तो एक बार हम शेल्फ को जोड़ेंगे और उसके बाद देखते हैं कैसे बनती है पूरी। तीन और निकाल लेता हूँ, नहीं तीन नहीं छः और निकाल लेता हूँ। लगा मत लेना, धीरे धीरे कर। लग गई? नहीं यार, देखो यो 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 पहले लानी थी जिसमें तो इसका गेट पहले बाहर करेंगे। अरे वाह वाह भैया, थैंक। ये अब सामने से दिखाओ तो, अब इसको यो पर्दा उठा के दिखा दे यहाँ पर। ये देखिए पूरी जुड़ गई है और हम इसमें जूते चप्पल या कपड़े भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, और चैन लगा के इसका पर्दा ढक सकते हैं। तो इसका ये कवर है और ये छह स्टैंड हैं इसके। अब ये कवर होने के बाद में ऐसा चैन जुड़ दो, बस अंदर कुछ भी सामान रख सकते हैं हम, इसमें कोई भी सामान रख सकते हैं और बंद करके इसको रख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी लगी, रिजनेबल दाम में आ गई, 640 की है और इसमें बहुत सा सामान आ जाएगा। हम इसमें देखते हैं क्या रखते हैं। मंगवाई तो हमने शूज के लिए थी लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं इसमें कपड़े रखूँ। हाँ